पूरे ओवर की आखिरी बॉल है। सामना करेंगे ज़ैन बट। अभी तक बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा ज़ैन की तरफ से। एक और चौका लगाया ज़िया को। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था इस बॉल को रोकने का। आखिरी बॉल करेंगे अपने इस ओवर की ज़िया। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। डॉट बॉल। अल्फाज का तबादला दोनों बैट्समैन और बॉलर के बीच में। ज़ैन बट कुछ कहना चाह रहे थे। आगे बढ़ के खेलना चाह रहे हैं इस ओवर में। दो ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 22। रोहन अंपायर के साथ किसी बॉल पर। वेलकम शेराज खान, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस वक्त जो एतराज किया जा रहा है बैट्समैन की तरफ से, आप जरा अपनी माहिराना राय इसके बारे में, रूल्स क्या कहते हैं थोड़ा बताइए। शुक्रिया चश्ती। एक्सपर्ट राय जो है चश्ती साहब ने दी है, कहते हैं कि ये डेड बॉल नहीं है। रोनी और ज़ैन बट इत्तेफाक नहीं कर रहे इस पे, वो कह रहे हैं कि ये डेड बॉल होनी चाहिए। कम ऑन गाइस, द शो मस्ट गो ऑन। मैशर का स्कोर 23 फॉर नो लॉस। बहुत ही अच्छा स्टार्ट मैशर की तरफ से, लेकिन यहां पे कपड़ा गिरने की वजह से काफी गुलाई हो रही है। बात को लेके खुश नहीं है रोहन, और अभी तक ज़ैन बट जो है वो अंपायर्स के साथ बात कर रहे हैं। अंपायरों के लिए काफी परेशानी का लम्हा। रूल बुक के हिसाब से ये डेड बॉल है या नहीं, ये अभी डिसाइड करना होगा अंपायर ने। आईसीसी के रूल्स के हिसाब से वो तो फिर बहुत खेली ना, लेकिन सही बोल रहा है, बहुत सही बोल रहा है।
दानिश अपना दूसरे ओवर के लिए तैयार। बहुत ही अच्छी बॉल या डिलीवरी। थोड़ी बहुत ब्रेक के बाद दोबारा खेल के आगाज हुआ। दो ओवर में 23 स्कोर और कोई विकेट नहीं। तीसरे ओवर के एक पहली बॉल पे एक सिंगल बना जैन बट एग्रेशन में और सामना करेंगे दानिश का। दानिश ऑलमोस्ट सड़क से दौड़ के आ रहे हैं। जैन बट सामना करेंगे दानिश कुरैशी दूसरा ओवर करते हुए। उठा के खेल दिया। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। एक रन मिला दानिश कुरैशी बहुत समझदारी से बॉलिंग करते हुए। पहले ओवर में 14 रन आए थे लेकिन अभी तक कोई मौका नहीं दिया उन्होंने किसी को कि खुल के कोई शॉट लगा सके। ये बिल्कुल दो बॉलों पर दो सिंगल। सर्कल पावर प्ले का गेम शुरू है। गुलाम फरीद फील्डिंग को सेट करते थर्ड मैन को अंदर लिया फाइन लेग को अंदर लिया स्क्वायर लेग बाहर और लॉन्ग ऑफ बाहर। और ये पेड़ पे लगते हुए बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। स्मैशर खुश होंगे रन आ रहे हैं जैसे भी। और ये पेड़ पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अभी तक। 4 बॉलों पर 6 रन आ चुके हैं। रोनी बड़ी समझदारी से खेलते हुए बल्ले पे बॉल लगा के पिच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानी जैन बट अपनी एग्रेशन दिखाते हुए पहले ओवर में 3 कड़ाकेदार चौके लगाए।
जिया ने थोड़ा परेशान किया। बहुत ही अच्छी बॉल फिर से यह क्लब बॉलिंग करा रहे हैं। जैन बट 18 रन से खेल रहे हैं, चार चौकों की मदद से 225 की स्ट्राइक रेट है। अभी तक मुकाबला बड़ा सनसनी खेज जारी है। स्मैशर भरपूर जवाब देने के मूड में, यह डिलीवरी जैन बट को मौका नहीं दिया, शायद पांव पे लग चुकी है, थोड़ा लगना रहे हैं। डग आउट से स्प्रे की जरूरत पड़ सकती है। तीन ओवर के अख्तितम पे स्कोर 30। बहुत अच्छा कमबैक ओवर किया दानिश ने, सिर्फ 8 रन देने दिए। जिया जो है अपना दूसरे ओवर के साथ रेडी है। पहले ओवर में उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, बैट्समैनों को समझ नहीं आई। रोनी फिर से सामना करेंगे जिया का, काफी तेज से बॉलिंग कर रहे हैं आज, और इरशाद चारों तरफ भाग रहा पानी की तलाश में। इरशाद बताते हुए कि पानी है मेरे पास, पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी तरफ आज। बड़े नपे तुले अंदाज में कदम बढ़ाते हुए इरशाद, रोहन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी फील्डिंग। जिया दूसरे ओवर का आगाज, एक सिंगल मिला, एक रन के बाद अब स्ट्राइक लेंगे जैन बट बॉलिंग पर जिया। वी वेलकम मिस्टर अमित पसेला, द अबू धाबी क्रिकेट गॉड फादर, तो वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। काफी लिबासी हमारे सामने से गुजरते हुए, काफी थके थके जमशेद बट शायद बैटिंग ना करने के मूड में। बॉल हवा में, कीपर नीचे, एक आसान कैच और बहुत खूबसूरती से कैच, बहुत खूबसूरत कैच। कामरान आता, जिया मुख्तार अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए एक विकेट हासिल की उन्होंने, एक ब्रेक थ्रू जो बहुत जरूरी था। चौथे ओवर में जैन बट जो काफी खतरनाक लग रहे थे, वापस आना पड़ेगा एक स्लोर वन जिसको वो समझ ना सके। शॉट खेला हवा में और कामरान ने एक बहुत खूबसूरत कैच लिया। मौका नहीं दिया स्मैशर के एक जारहाना बैट्समैन को, जो कि काफी अच्छी मिडल कर रहे थे बॉल पर, और एग्रेशन दिखाई जिया ने पवेलियन की तरफ भागते हुए। ऐसा लगा इमरान ताहिर की रोह उसके अंदर घुस गई। नया बैट्समैन, प्लीज वेलकम जिमी बट, जो कि अबू धाबी और यूएई के जाने पहचाने नाम है। जब भी अपने फॉर्म में आते हैं तो सामने की टीम को पानी पीने का भी मौका नहीं मिलता। शाहिद चंदू इस वक्त कमेंट्री बॉक्स के सामने से गुजरते हुए, जब तक बात ना करें इनको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत विकेट कीपर, वन ऑफ माय फेवरेट। चंदू को खिताब दिया गया था पिछले मैच में छोटा तेंदुलकर का, और इसी हिसाब से ये कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। इसका वीजा जो है हमने फुल टाइम कीपर का लगा दिया। ये छोटा डाउन के बाद छोटा तेंदुलकर इस वक्त अबू धाबी में मौजूद।
सामना करेंगे जमशेद भट्ट। जिया अपना दूसरा ओवर जारी रखते हुए एक कामयाब ओवर। कामरान की तरफ से एक पुरजोर अपील लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। कामरान अचानक समझदार से वाइड बचाने की कोशिश लेकिन सामने चतुर कासिम अंपायर जो के आज हजारवां मैच खेल करा रहे हैं। अंपायर का इशारा था वाइड बॉल। दोबारा अपने स्टार्ट पर हल्के बल्ले के साथ खेले, एक सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया। सामना करेंगे राहुल मुस्तफा। स्मैशर थोड़ा बैकफुट पे आ गई है। जैन भट्ट जो के स्मैशर के कोर्स काफी अच्छा स्टार्ट देते हैं, आज जल्दी पवेलियन वापस आए लेकिन अभी भी स्मैशर के पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइन पीछे दगाउट में बैठी हुई है। अली आबिद पेट किए हुए हैं, उसके साथ काफी अच्छी लंबी बैटिंग लाइन है। सालिक भी बैट पेड अप किए हुए हैं, उस्मान पांडा है और ये चलाइए लेकिन दोनों चीजें यहां होते होते रह गई, छक्का भी और बॉल भी समझे कि बॉल हो गए, दोनों समझे कि छक्का हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, रोहन मिस किया बॉल, विकेट के बहुत नजदीक से गुजरी। जिया वापस अपने रन अप पर एक कामयाब ओवर करते हुए। आगे बढ़ के खेले, सामने फील्डर मौजूद दानिश कुरैशी, फील्ड किया बॉल वापस जिया की तरफ, सिंगल, सिर्फ एक रन का इजाफा। जिया एक बहुत अच्छा ओवर और एक कामयाब ओवर करते हुए। सामना करेंगे जमशेद भट्ट। इब्रार शेख अभी तक चार रन बने, चार बॉलों पे, पांच बॉलों पे, बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल ओवर जारी। जिमी सामना करेंगे आखिरी बॉल का, स्लो रन, बहुत ही समझदारी से स्लो बॉल कराई, जिमी हवा में लटकते हुए बीट हो गए। जिमी सामना करेंगे आखिरी बॉल का, एक कामयाब ओवर का इख्तिताम। जिया सिर्फ चार रन दिए और एक विकेट, जैन भट्ट एक बहुत बड़ा विकेट। लगाने में मशहूर है, जाते ही उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर थे, वो बहुत तेज खेले, पहले तीन बॉलों में तीन चौके लिए लेकिन इस बॉल को वो समझ ना सके, छक्का लगाना चाहते थे, एज हुआ बॉल, हवा में गई। कामरान अता ने बहुत खूबसूरत कैच लिया, जिया मुख्तार का एक कामयाब ओवर। जी बिल्कुल, यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कप्तान की भी, वो बार बार बॉलर के पास जा रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं, बॉलर जो है उसके हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, आगे पीछे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दानिश अपना तीसरा ओवर के लिए आ रहे हैं और दानिश ने भी पहले ओवर की तीन चौकों के बाद दूसरा बहुत ही अच्छा ओवर कराया और तीसरे ओवर के लिए रेडी है, वो चलते हुए आ रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत बॉल, डॉट, एक और डॉट बॉल, अपने तीसरे ओवर का आगाज बहुत अच्छे तरीके से किया। रोहन मुस्तफा समझ नहीं सके, खेलना चाहते थे थर्ड मैच, बॉल बीट हुई। जी बिल्कुल, ब्लॉक में बॉलिंग कर रहे हैं जो कि बहुत ही सूदमंद साबित हो रही है वल्केनो के लिए, लेंथ बॉलों से गुरेज कर रहे हैं दानिश। एक और फुल बॉल और थर्ड मैन पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग,
फजल मनान की तरफ से, हालांकि यहाँ पे महेश्वर ने दो तीन चौके छोड़े थे, लेकिन उसके मुकाबले में एलकेएनओ की फील्डिंग बहुत ही आला। आपकी दफा बहुत खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा, फजल मनान एक यकीनी चौका बचाया। दानिश अपने रनर पर वापस जाते हुए, कप्तान गुलाम फरीद पूरी टीम को जगा के रखा है उन्होंने, हर एक बॉल के बाद बॉलर को समझाते हुए। बहुत खूबसूरत शॉट, बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन जमशेद भट्ट। जी, जमशेद भट्ट ने बॉलर को समझ लिया था कि यहां ग्लंप है, और उसने बॉल के बिल्कुल बॉडी के साथ मिला के स्क्वायर लेग फ्रंट लेग के बीच में बहुत ही मिडिल करके शॉट खेली, और फील्डरों के लिए कोई मौका नहीं। बॉल जो है काफी दूर तवील तक जा चुकी। भरत भाई सफारी खाते हुए, आज पता नहीं किसकी सुपारी दी है इन्होंने। वॉल के मुक्ति तो डेफिनेटली दी होगी। इरशाद जो कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, आज बेंच पे। अनिल ने फील्ड किया सिंगल। अनिल आज एक बहुत खूबसूरत बारी खेली, बहुत ही खूबसूरत साझेदारी कामरान के साथ टीम को संभाला, और फिर बाद में बहुत खूबसूरत शॉट लगाए। अनिल किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे बैट्समैन। दानिश कुरैशी अपना तीसरा ओवर करते हुए 40 स्कोर, सामना करेंगे रोहन मुस्तफा। जी बिल्कुल, अभी तक पहले ओवर के मार के बाद काफी अच्छा कमबैक किया दानिश ने, और जिया तो बिल्कुल ही अनप्लेएबल है आज। बहुत अच्छी बॉल, रन आउट का खतरा, और ये दोहरी किक। बहुत अच्छी फील्डिंग के मुजाहिर, फील्डिंग को देखना पड़ेगा, ये खुदकुशी वाला रन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थ्रो, इब्राहिम शेख रन आउट हुए, रोहन मुस्तफा डायरेक्ट हिट, एक सिंगल विकेट नजर आ रहा था। टारगेट ऑन टारगेट थ्रो, बहुत अच्छी बॉल हमेशा यहाँ पे रन आउट के दोनों जो है बॉलिंग में वापस। अभी तजुर्बाकार अली आबिद क्रीज को संभालने के लिए जा रहे हैं, काफी बड़ा टारगेट, काफी बड़ी जिम्मेदारी, और महेश्वर को अगर ये मैच जीतना है तो यहाँ पे जिमी भट्ट और अली आबिद को एक तो शराकतदारी करनी होगी, दूसरा एवरेज को भी मेंटेन करना होगा, तो डबल प्रेशर। जी बिल्कुल, एक बहुत भारी जिम्मेदारी अली आबिद पर, उनके साथ है जमशेद भट्ट, दोनों में से एक किसी को एक बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो, जैसे कि कामरान अता खेले, जैसे अनिल, दोनों ने एक बहुत बड़ी साझेदारी कायम की और अपनी टीम के स्कोर को 222 तक पहुंचाया। इसी तरह कुछ खास करना होगा इन दोनों बैट्समैन को ये मैच जीतने के लिए। इब्रार शेख आज के अभी तक के हीरो, डायरेक्ट हिट, एक बहुत बड़ा विकेट, एक बहुत बड़ा धचका स्मैशर्स के लिए। जी बिल्कुल, रोनी जो है यूएई का कैप्टन रह चुका है, और यूएई का जाना पहचाना नाम है। और कॉन्फिडेंस देखे दानिश की विकेट रन आउट के बाद, अगली डिलीवरी जो बिल्कुल ड्रॉप में थी, जिमी को कोई मौका नहीं दिया बाजू खोलने का, और जिमी को सिर्फ डिफेंड करने पे ही मजबूर किया। व्हाट अ बॉलिंग बाय दानिश कुरैशी। और तीन ओवर के, चार ओवर के अहतमाम पे स्कोर 40, यस, दो विकेटों के नुकसान में। तकरीबन सेम सिचुएशन है यहाँ पे, इतना ही स्कोर था चार ओवर में,
वॉल्केनो का 39-38 था और दो आउट थे और इतना ही स्कोर अभी मैशर का है। तकरीबन अगर आधा दशमार को देखा जाए तो दोनों टीमों का इस वक्त सेम सिचुएशन थी। अभी कप्तान ने परिवर्तन किया, अपना बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाया फजल मनन, जो कि वॉल्केनो का बहुत ही क्लासी बॉलर है और हमेशा नए बॉल से स्टार्ट करता है, लेकिन आज कप्तान ने उसको पांचवा ओवर दिया, लेकिन हमेशा वो सूदमंद साबित हुए कैप्टन के लिए। जब भी उसको बॉल पकड़ाई तो उसने हमेशा डिलीवर किया। तो देखते हैं अपना वो आगाज कैसे करते हैं। सामना करेंगे अली हाफिज, जो कि अबू धाबी की 10 और अबू धाबी टीम के कैप्टन है, काफी तजर्बाकार बैट्समैन है। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होगा लाला और अली हाफिज के बीच में। उठा के खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, बहुत खूबसूरत शॉट, वेलकम किया लाला का क्रीज पे। अली हाफिज बहुत मंझे हुए, बहुत सुलझे हुए। बिल्कुल जनाब, अली हाफिज ने अपनी नियत दिखा दी, इरादे दिखा दिए लाला को, फजल मनन को, के मेरे इरादे क्या है। शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन्स नहीं। लाला गुलाम फरीद अपनी फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए, लम्हा बलम्हा मैच क्लोज होता हुआ इख्तिताम की तरफ जाता हुआ, दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए। एक और शॉट, कोई रन्स नहीं, डॉट। बहुत अच्छा कमबैक लाला की तरफ से, एक बड़ा हिट लगाया लिया अबर ने, लेकिन अगले दोनों बॉल बहुत अच्छे तरीके से। एक बहुत बड़ी विकेट ले ली, बहुत ही बड़ा धक्का स्मैशर को, अली आदित के बायनास बैट्समैन एक छक्का लगाने के बाद पैगाम बदल गए थे स्मैशर के लिए झटका, और वॉल्केनो के लिए बहुत बड़ा रिलीफ, क्योंकि ऐसी विकेट जो ऐसे सस्ते में आउट हो गए तो वॉल्केनो को एक कदम और बढ़ गए। तीसरा विकेट, एक बहुत बड़ा झटका, अली हाफिज आउट होके पवेलियन में वापस जाते हुए, लेकिन अगले दोनों बॉल बहुत अच्छे तरीके से। स्ट्रेटेजी, अपने बेहतरीन बॉलर को लेके आए और उसने आते ही डिलीवर किया एक बहुत बड़ा विकेट। फजल मनान पहले बॉल पे छक्का, उसके बाद दो डॉट, और फिर अगले बॉल पे चौथे बॉल पे विकेट, कॉट एंड बोल्ड किया, समझ न सके उसको अली हाफिज, टॉप एज हुआ और सीधा बॉलर के पास वापस, एक बहुत आसान कैच। फजल मनान जो कि एक बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं हमेशा। जी बहुत आसान कैच तो लग रहा था, लेकिन बॉलिंग में फॉलो थ्रू पे इतना आसान नहीं होता, और मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा इंजरी भी है जिसमें बैलेंस करना मुश्किल है, और अपनी इंजरी के साथ खेल रहा है। और ये ईद के लिए कल जा रहे छुट्टी, तो ये फाइनल के लिए रखा हुआ था वॉल्केनो ने, और जिस काम के लिए रोका था वो भरपूर तरीके से करते हुए फजल मनान वॉल्केनो की कामयाबी की तरफ एक और कदम। सराज भाई, एक और इनिंग खेलने पाकिस्तान जा रहे हैं, समझ जा सके। सालिक न्यू बैट्समैन इन, सालिक शाह, फजल मनान आखिरी बॉल इस ओवर का, पहले बॉल पे छक्का लगाया था अली हाफिज ने, लेकिन उसके बाद बहुत खूबसूरत कमबैक, ना सिर्फ विकेट लिया बल्कि अभी तक कोई रन्स भी नहीं दिया, और एक और डॉट बॉल, पहले बॉल पे एक बड़ा हिट, उसके बाद विकेट, और पांच बॉल डॉट, बहुत खूबसूरत ओवर फजल मनान का। इसके साथ सर्कल के ओवर का इख्तिताम, देखते हैं अब किसको लेके आते हैं। ओवर के अख्ताम पर स्कोर 43, स्मैशर काफी 46 स्कोर है।
जैसा कि इनको स्टार्ट चाहिए था वैसा मिला नहीं। अभी देखा जाए तो उस मैच 70% जो है वो मैच हार रही है, 30% जो है वो फेवरेट है। वल्केनो जो है वो 70% मैच में है। महेश को लाया गया है, महेश भी बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वल्केनो के लिए काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। सर्कल खुल चुका है, फील्डिंग में एडजस्टमेंट, जिया ने काफी अच्छी सेलिब्रेशन की। और ये नाइन का नो बॉल है और फ्री हिट मिला सालिक को, जो कि काफी रिलीफ फील करेंगे क्योंकि अभी तक उसने खाता नहीं खोला और उसको खाता खोलने का बेहतरीन मौका। जी बिल्कुल, शायद ओवरस्टेप या साइड लाइन का यहां से हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अंपायर का इशारा सिग्नल नो बॉल फ्री हिट। लाला के ऊपर से खेला जिया मुख्तार भागते हुए और बहुत खूबसूरत फील्डिंग एक यकीनी चौकारों का, बहुत खूबसूरत फील्डिंग जिया मुख्तार। कमिटमेंट देखो वेलकेनो फील्डर्स की, जिया जो है स्क्वायर लेग से भागते हुए फाइन लेग पे, उसको पता था कि लाला जो है वो इंजर्ड है तो वो बगैर किसी के कहे खुद ही भाग गए और टीम के लिए एक यकीनी चौका रोका, एक रन दो रन हो जाए टीम के लिए। एक और सिंगल का इजाफा, बॉल आई लाला की तरफ, लाला थोड़ा सा चुके और इस दौरान उन्होंने एक सिंगल लिया। मैं यहां पर एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, गुलाम फरीद जो हर बॉल पर अपने बॉलर को समझाते हुए, फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फील्डिंग को, बॉलिंग को, और इस वक्त पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं दूसरी टीम के ऊपर, किसी किस्म का कोई चांस नहीं देना चाहते। जी बिल्कुल, जिन्होंने हवाई पर चलाया लेकिन बॉल जो है बल्ले के करीब करीब भी नहीं थी। प्रेशर नजर आ रहा है प्रेशर पे, ऊंचा खेल दिया, खुशकिस्मत रहे जिन्हें भाई जो कि बॉल फील्डर के सामने गिरी। और एक बार फिर वीडियो है, जिमी बट वाइड मांग रहा है लेकिन अंपायर हुमायूं जो कि अपना 450वां मैच करा रहा है उसने कहा कि बिल्कुल भी ये वाइड नहीं। बहुत खूबसूरत बॉलिंग महेश की तरफ से, कोई मौका ना देते हुए। एलबी की अपील लेकिन अंपायर का इशारा के बॉल पहले बल्ले से लगी, एक बहुत खूबसूरत ओवर महेश, एक बेहतरीन ओवर डालने के बाद। क्या जबरदस्त ओवर किया महेश ने, व्हाट अ बॉलिंग, जस्ट 4 रन गिवन बाय महेश, वेल डन बॉय, वेल डन। फजल मनान बैक ऑन अटैक, एक बहुत खूबसूरत ओवर महेश यादव, इतने इंटेंस मैच में अपना पहला ओवर किया एंड इट वॉज एन अमेजिंग बॉलिंग अगेंस्ट टू गुड बैट्समैन।
यहाँ पे सिलेक्शन टीम थोड़ी झिझक रही थी कि महेश को खिलाना है कि नहीं, बट अच्छी चॉइस। एक बहुत खूबसूरत बॉल, समझ नहीं पाए बैट्समैन सालिक शाह, फजल मनान बहुत खूबसूरत बॉलिंग, और सामने खेल दिया है उठा के छह, एक शानदार छक्का, छह बालों के बाद एक और छक्का। अब देखते हैं लाला कैसे कमबैक करते हैं, पिछली दफा तो उनको एक छक्का लगा था उसके बाद उन्होंने आउट किया था, क्या वो इस सीरीज को बरकरार रख सकेंगे? यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी सालिक की, प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छी बॉल थी, लाला क्या लगा मुंह में नहीं थी, दूर थी, सालिक ने बड़े अच्छे से रीड किया लेंथ को और सीधा बिल्कुल फ्री में छक्का दे दिया, कॉन्फिडेंस उसको मिलेगा इस शॉट से। और लाला जो के मंजा हुआ खिलाड़ी है, अभी उसके जवाब में भी क्या देता है, फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया उठा के चार रन, लेग साइड पे थी बॉल, आसानी से खेले फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर, उसके ऊपर से खेला सालक ने और चार रन लिए। यस प्रेशर फील करेंगे अभी लाला, क्योंकि दो बॉल पे 10 रन और सालक जो है काफी बड़ा, तीन बॉल पे 10 रन और सालक सालिक जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ चुके होंगे, जो प्रेशर था वो थोड़ा बहुत रिलीज हुआ होगा। और एक और बिल्कुल चार फाइन लेग के ऊपर से शॉट खेल दिया अंपायर के इशारे, ये छह रन सालिक जो है अपने फॉर्म दिखाते हुए इस ओवर में लगातार तीसरा शॉट, दो छक्के और एक चौका लगा चुके हैं। इस ओवर की आखिरी बॉल, नौ बालों का सामना किया है, 19 रन बनाए हैं सालिक ने, जिसमें से दो छक्के और एक चौका शामिल। बाबर की फील्डिंग, सिंगल लिया सालिक ने, इसके साथ ही ओवर का इख्तिताम, आठ ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 68-3। इनिंग्स का काफी महंगा हुआ, 17 रन पड़े इसमें, सालिक को कॉन्फिडेंस मिला और जिमी के थोड़ी सी रिलीफ के थोड़ा बहुत रन आ चुके हैं, अभी 8 रन के हिसाब से खेल रहे हैं और रिक्वायर्ड रन रेट जो है अभी 13 पर ओवर हो गए, 13 रन चाहिए इनको हर ओवर में अगर इन्होंने मैच जीतना है। महेश यादव ही विल कंटिन्यू फ्रॉम अदर एंड, 5 रन इन दिस लास्ट ओवर, बहुत अच्छे बॉलर हैं, माने जाते हैं कि टेंथ सिचुएशन में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं हमेशा, इससे पहले भी उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए, अपना दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं, सामना करेंगे साले। बॉल पैड पर लगी और आउट, और एक और विकेट, अंपायर का इशारा आउट, महेश जैसे मैं कह रहा था अभी एक और विकेट, बिल्कुल सीधा पैड पे लगा और कोई हेजिटेट नहीं किया अंपायर ने, महेश यादव एक बहुत बड़ा विकेट लेके बहुत खूबसूरत बॉलिंग करते हुए। ये जो महेश यंग टैलेंट है अबू धाबी का और हिडन टैलेंट है, अभी अबू धाबी के दो तीन बड़े प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं उसकी बॉलिंग को, और ये हो सकता है कि इन पे कंसिडरेशन में आए इनके और हाई लेवल पे इनको रिकमेंड किया जाएगा। He understands very well. Also, if you require the commentators,
ऑलवेज अवेलेबल Shiraz just got a title from Abu Dhabi Council that he's a naughty guy. So today I'm having a naughty guy sitting next to me, but match is very interesting now. Fourth wicket down, Mahesh Yadav showing his class, showing his skills, unable to play. So far he took one wicket of Salik Shah. उस्मान पांडा लेफ्ट आर्म बैट्समैन, लेकिन ये बॉलिंग राइट करते हैं, बैटिंग लेफ्ट करते हैं, कुछ समझ नहीं आई आज तक मुझे इनकी। उस्मान पांडा के बारे में मशहूर है कि ये पांडा है, तो पांडा कुछ भी कर सकता है। ये सामने वाले को भी वार सकता है और अपनी टीम को भी वार सकता है। ज़िया मुख्तार फील्डिंग पे आते हुए, प्लीज थोड़ा जरा इस टॉवल को संभाल के रखें, काफी टेंस सिचुएशन हो गई थी इसकी वजह से। एक शॉट सामने खेले जमशेद, अंपायर का सिग्नल देखना होगा, 6 रन, थोड़ा शॉर्ट ऑफ द लेंथ था, खड़े होके सामने बड़े आराम से शॉट खेला जमशेद ने। काफी मजे हुए बैट्समैन हैं, महेश का एक बुरी बॉल जिसका उन्होंने फायदा उठाया अंपायर बॉल चेक करते हुए, बिल्कुल सामने जाने को लगा था, अंपायर का चेक करना बनता है। जिमी बट को कॉन्फिडेंस मिला होगा इस शॉट से। एक और शॉट सामने फील्डर, लेकिन फील्डर उसे रोक ना सके, फील्डर के ऊपर से एक और छक्का, एक और शॉट लोगों के ऊपर से, एक लम्हे को तो लगा कि जैसे कैच है, लेकिन फील्डर सिर्फ देखते रहे और बॉल उनके ऊपर से जाली क्रॉस कर गई। और इस तरह ये जो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे पिछला ओवर, और मेरे जो लगता है कमेंटेटर कर्ज लग गया, और हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। यस वी टेक अवर वर्ड्स बैक एंड होपफुली ही विल कम बैक एंड गेट अ विकेट। जिमी को दो छक्के जो लगाए उससे काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा। जिमी के बारे में बॉल को चेंज किया, लगता है टेनिस बॉल पकड़ा दी बॉलर ने। अंपायर से गुजारिश है टेप चेक कर लें। जो बॉल बाहर गई थी वो बॉल नहीं है, अंपायर खुश नहीं बॉल से और नई बॉल का मुतालबा करा। अंपायर को कर, अंपायर को और बॉल नहीं पड़े हमारे पास, शायद बड़े बॉल पड़े अंदर पड़े हैं, दिखाएं बॉल, ये दिखाओ, मैंने देखी हुई बॉल जो है गुम हो गई, न्यू बॉल नहीं जा रही, ये नहीं बॉल नहीं देखा, नहीं ले सकते भाई, इसमें कोई भी बॉल ऐसा नहीं है, अंदर पे नहीं और थले, मैं मुझे पूछो नया बॉल है, दूसरा कोई बॉल है आपके पास, बॉल होंगे थोड़ा
शायरिंग खत्म कर शायरी इसका थोड़ा सा आप ये देखिए चले जाए दे देना नहीं है नहीं है ऐसी कोई क्योंकि जो भी है वो आप ये लेके तो बहुत ही पुराने बोर्ड हैं यार आप लेके जाए वो भी हैं तो तीन कोच बॉल गुम कर दी और रूई बॉल अंपायर चेक कर रहे थंडर बोल्ट जो है वो अपने मैच के लिए तशरीफ ला चुकी है। धीरज भाई और कंपनी जो है रेडी है अपने अगले मैच के लिए। हिमांशु जो है वो भी धीमे धीमे चल रहे हैं। अंपायर्स को बॉल दे दी गई है, चेक करेंगे, दूसरे कैप्टन भी चेक करेंगे, उसके बाद दोबारा मैच का आगाज होगा। हुमायूं बॉल को देखते हुए और बॉल बॉलर के हवाले मैच दोबारा शुरू करने के लिए रेडी। जमशेद भट्ट सामना करेंगे और बॉलर है महेश यादव जो बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे थे लेकिन अचानक जमशेद भट्ट दो बहुत खूबसूरत शॉट लगाए और अभी तक चार बॉलों में 13 रन दे चुके हैं महेश। 8.4 ओवर का खेल हो चुका है और 81 रन है, 4 विकेट। करंट रन रेट 9.35, रिक्वायर्ड रन रेट 12.53। जहीर भाई प्लीज थोड़ा साइड पे होंगे, थैंक यू। उधर है भाई, रोड के ऊपर है, उस तरफ होगा, इधर तो आए नहीं, उस सड़क गिरी है ना। और अच्छा कमबैक किया महेश ने, महेश ने दो अच्छी डॉट बॉल बनाई। As soon as we took our words back, two dot balls from Mahesh. So I think it is a commentator's curse. So please, Shiraz, I will request, don't say anything about Mahesh now. अरे यार तूने बोला दोनों बॉल कर दिया तूने। इसमें होगा और भी। कर्स वापस। अरे वही बॉल से यार आ गई है। नहीं नहीं बॉल वापस भी हो जाएगा। भाई ये नहीं सी वो उधर के रोड के ऊपर। कैसे पता रखना? नहीं रोड से नहीं क्या है भाई? ये जो दिख रहा है यार बोल आया है। कप्तान गुलाम फरीद अंपायर से कुछ बात करते हुए, जमशेद भट्ट भी इस डिस्कशन का हिस्सा, बॉलिंग जारी रखेंगे। फजल मनान बॉल मांग रहे हैं, प्लीज थर्ड अंपायर प्लीज थोड़ा जरा। जैन भाई चीजें कराओ यार, वो फेल फेल नहीं है, बोला तेरा होनी चाहिए, वो फेल फेल नहीं है, फिर मैं बोला सही नहीं, इसमें से क्या है वो नहीं था उन्होंने यूज किया। अच्छा ज्यादा पुरानी अपना आसिफ भाई जी नहीं कर रहे अग्री, सही बोल रहे हो, बता दो उसको मान ले थोड़ा सा। अंपायर प्लीज
8 ओवर में पुराना बॉल नहीं आता। हुमायूं प्लीज थ्रो द बॉल हियर प्लीज। हुमायूं अंपायर बॉल प्लीज। नहीं नहीं वो कहाँ जाके देख रहे हैं, वो किधर को जाके किधर चले गए। हुमायूं प्लीज बॉल। हुमायूं बॉल प्लीज। Please check this one. Yes, please start the match. बुलाने सबको। कासिम। नौ ओवर के इख्तिताम पर 81 स्कोर, 9 ओवर्स 81 for 4, जमशेद भट्ट 19 in 14 balls, 2 big sixes एंड 1 बाउंड्री, फजल मनान अपना तीसरा ओवर करेंगे, 2 ओवर में 23 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है, जबकि उनके साथ है महेश यादव जिन्होंने 2 ओवर में 18 रन दिए। गुलाम फरीद अपनी फील्डिंग को सेट करते हुए बॉलर्स के साथ फील्डर्स के साथ मुकम्मल तौर पर अपनी टीम पर कंट्रोल जमाए हुए, मैच पर कंट्रोल जमाए हुए। गुलाम फरीद सामना करेंगे उस्मान पांडा, एक तरफ लाला दूसरी तरफ भी लाला। कोई भी मौका नहीं बॉल को पकड़ने का, क्योंकि बॉल हवाई रास्ते से बाउंड्री से बाहर।
जिमी बट अपनी क्लास दिखाते हुए जमशेद बट अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए एक और छक्का, तीन छक्के लगा चुके हैं। 25 के स्कोर पर विकेट पर मौजूद, 15 बालों का सामना किया है फजल मनान। सामने खेले फील्डर मौजूद दानिश कुरैशी, एक ही रन मिलेगा, चार बालों में अब तक 8 रन दे चुके हैं फजल मनान। सॉरी, चौथी बॉल करेंगे आप, 3 बालों में 8 रन दे चुके हैं। अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड बॉल, लेग स्टंप से बाहर, एक बहुत अच्छी बॉल लेकिन कोई फायदा नहीं। एक्स्ट्रा देते हुए स्कोर बढ़ते हुए 90। जिया मुख्तार आज एक अनोखा सेलिब्रेशन किया उन्होंने एक विकेट लेने के बाद, हालांकि ये आप दरअसल जो समझदार बच्चा है आज बदतमीजी कर देते आगे। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन पे गई बॉल, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 92। जिया एक्सप्लेनेशन देते हुए नॉटी कमेंटेटर को, और इस पर खुद कुछ हमने की कोशिश पांडा की नाकाम हुई। 11 रन का और लाला का छक्के के बाद अच्छा कमबैक किया, आहिस्ता आहिस्ता स्मैशर अपनी इनिंग्स को रिकवर करते हुए 92 10 ओवर में। स्मैशर को 10 ओवर में 131 चाहिए और उनके पास अभी 6 विकेट बाकी है। आने वाले बैट्समैनों में जुबैर लाला, शाहिद गिल, आकिफ राजा, कासिम और अब्दुल्ला कियानी, जो कि जिनमें से सिर्फ शाहिद गिल जो कि एक मंजे हुए बैट्समैन है, बाकी कैलेंडर में काउंट होंगे लेकिन अच्छे खेलते हैं सारे। महेश अपने कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए, बहुत पीछे बॉल, बहुत पीछे, जमशेद ने उठा के भेज दिया बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और शानदार छक्का। ये बिल्कुल 13 रन चाहिए पर ओवर, जिसमें से पहली बॉल पर 6 रन, और अभी उनको 13 रन भी बनाने और विकेट भी बचानी है स्मैशर को। ये साझेदारी जो है हालचाल को परेशान कर रही है अभी वॉल्केनो को। कमरान अता महेश के पास जाते हुए समझदार, एक बहुत अच्छा मूव कामरान की तरफ से, अपने बॉलर को हौसला देते हुए और उनको समझाते हुए अपने तीसरे ओवर का दूसरा बॉल करेंगे महेश यादव, लेफ्ट आर्म बॉलर, सामना करेंगे जमशेद बट। एक्स्ट्रा पावर फील्डर तैनात, अच्छी बॉल, दो बॉलों पे 7 रन, 13 रन चाहिए पर ओवर स्मैशर को। तीसरा बॉल करेंगे महेश, सामना करेंगे उस्मान पांडा, एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मिस जज हुए, बॉल हुई डॉट, करेंगे उस्मान। 3 बॉलों में अब तक 7 रन दे चुके हैं महेश।
शॉट लगाने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद, एक सिंगल मिलेगा और इसके साथ 100 रन मुकम्मल हुए हैं स्मैशर्स के, 100 अप फॉर स्मैशर्स। एक सौ 23 रन चाहिए अभी, इसके बाद 9 ओवर बाकी। दो बॉल बाकी, महेश ने सोच के बॉल के लिए वापस दोबारा आए, जिमी भट्ट चाको चौबन ऊपर गेंदबाजी का खतरा, ये जिमी भट्ट पवेलियन वापस, बहुत ही अच्छा कैच गुलाम फरीद का, जिमी भट्ट उसके ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ और सीधा बॉल गुलाम फरीद के हाथ में और इस तरह स्मैशर को एक बहुत बड़ा झटका। जमशेद बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन फील्डर मौजूद थे, बहुत खूबसूरत गुलाम फरीद, महेश यादव का दूसरा विकेट इस ओवर में। पहले बॉल पे एक बड़ा हिट लगाया था जमशेद ने लेकिन महेश ने बहुत अच्छे से कमबैक किया और एक विकेट लिया जो कि इस वक्त बहुत जरूरी था। जमशेद काफी खतरनाक होते जा रहे थे, विकेट लेना बहुत जरूरी था और महेश ने अपनी टीम के लिए वो किया। बहुत अच्छी बॉलिंग, मैच को कंट्रोल में रखा और स्मैशर को बड़ा झटका देने में कामयाब हुए महेश और गुलाम फरीद ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और इस तरह वल्केनो जो है ट्रॉफी विनर की तरफ एक कदम और आगे। 5 विकेट जा चुके हैं शाहिद गिल जो कि छोटा तेंदुलकर अभी क्रीज पे गए। शाहिद गिल सामना करेंगे महेश का, अपने तीसरे ओवर की आखिरी बॉल करेंगे। रिवर्स स्वीप, पहले बॉल पर ही रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, बीट हुए डॉट बॉल। 3 ओवर, इस ओवर में 8 रन और 1 विकेट, महेश यादव एक अच्छा विकेट लेने में कामयाब, गुलाम फरीद जिन्होंने कैच लिया अपनी टीम को संभालते हुए, बाबर बॉलिंग में चेंज, बाबर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। कफ चिश्ती प्लीज आप थोड़ा जरा कंट्रोल करें, बाबर काफी लंबे कद के मालिक अच्छी बॉलिंग करते हैं, सामना करेंगे उस्मान पठान इस वक्त। इस वक्त फील्डिंग में अगर देखा जाए, फील्डिंग परिवर्तन ना ये कड़ा परिवर्तन आया परी आई बॉलिंग में परिवर्तन लाए हैं इस वक्त गुलाम फरीद। फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए लॉन्ग ऑफ को अंदर लेके आए हैं जबकि थर्ड मैन सर्कल से बाहर बाउंड्री पे, बाबर फाइन लेग की जानब खेला बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस ओवर का आगाज एक चौके के साथ, आवाज बहुत ही अजीब से किया, बॉडी पे बॉल कराई जिसको सिर्फ रास्ता दिखाया पांडा ने फाइन लेग का, जहां पर फील्डर कोई नहीं था और आराम से 4 रन बटोरे। क्या हुआ
जिया बहुत खूबसूरत फील्डिंग, बहुत खूबसूरत फील्डिंग, सिर्फ एक रन ले सके। गिल कप्तान अपनी फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन हमेशा ही थोड़ा डिस्टर्ब करता है फील्डिंग स्ट्राइक को। इस वक्त अगर देखा जो तकरीबन सेम फील्डिंग ही है। सामना करेंगे शाहिद गिल, बॉलिंग पे है बाबर अली। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। शाहिद बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बॉल बीट हुए लेकिन बॉल दो बॉलों में छह रन दे चुके हैं बाबर, इनमें एक चौका, सिंगल और एक वाइड। शाहिद सिंगल, बाबर पहले बॉल पे चौका, फिर सिंगल, वाइड और अब एक और सिंगल। सात रन तीन बॉलों पे। बारहवें ओवर का खेल जारी इस वक्त। 107 पे 5 आउट है स्मैशर्स के, 116 रन चाहिए। बहुत ही मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है स्मैशर के लिए। बहुत अच्छी बॉलिंग, यहाँ पर मैं अपने कमेंटेटर दोस्त शिराज को याद करवाना चाहूँ कि जहीर भाई ने एक बात बोली थी कि 18वें ओवर तक मैच जो है वो काफी टफ होगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही लग रही है, उसके बाद जाके कुछ क्लियर होगा। तो अभी तक आप कुछ नहीं कह सकते, 5 विकेट बाकी हैं, 116 रन चाहिए। बाबर चार बॉलिंग कर चुके हैं अपने ओवर की, डॉट बॉल। ब्लॉक में बॉलिंग कराई जो कि आइडियल बॉलिंग है इस टाइम पे, क्योंकि एलिवेशन नहीं मिलेगी तो बैट्समैन लंबी शॉट नहीं मार पाएगा, और ब्लॉक में जो बॉलिंग मिलेगी उसके लिए कुछ अलग से ही खेलना पड़ेगा। छोटा टेंडुलकर स्ट्राइक पे है और जोर जो है हमारी तरफ भी आना चाहिए। शॉट लेकिन कप्तान खुद मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग। चौका जरूर खाया बाबर ने इस ओवर में, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा कंट्रोल, सिर्फ 8 रन दिए। पहले बॉल पे 4, उसके बाद अगले 5 बॉलों में 4 रन दिए हैं। बहुत अच्छा ओवर, रन रेट बढ़ता हुआ 14.38, 48 बॉल्स 115 रन्स रिक्वायर्ड। 8 ओवर्स में 115 रन्स चाहिए स्मैशर्स को ये मैच जीतने के लिए, जबकि वोल्केनो एकेडमी को चाहिए 5 विकेट, या वो इनको इस रन से नीचे रोक सकें। बॉलिंग में कोई चेंज नहीं, अपना आखिरी ओवर करने महेश यादव। कप्तान अपने बॉलर को समझाते हुए, उसको हौसला देते हुए, बहुत अच्छे से लीड करते हुए अपनी टीम को। गुलाम फरीद लम्हा ब लम्हा अपने फील्डर्स के साथ उनको समझाते हुए, फील्डिंग एडजस्ट करते हुए सामना करेंगे उस्मान पांडा, बॉलिंग पे महेश यादव। जी बिल्कुल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट गुलाम फरीद। बोल कर दिया लगता है, आउट हो गया, विकेट गई है। पांडा कौन
डेस्परेशन वाली शॉट मारी और पांडा को क्लीन बॉल कर दिया महेश ने। काफी कामयाब बॉलर साबित हुए जिमी बट और अभी उस्मान पांडा, बिल्कुल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। गुलाम फरीद तीन विकेट ले चुके हैं महेश। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मिस्टर शिराज, टुक योर वर्ड्स बैक, द गाय स्टार्ट परफॉर्मिंग अगेन ऑन द फ्रंट। गुलाम फरीद न्यू बैट्समैन इन आकिफ राजा। उस्मान पांडा एक बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे तो एक डेस्परेट हुए, बॉल सीधी गई विकेटों में, महेश यादव ने लिया तीसरा विकेट। अब तक के सबसे कामयाब बॉलर अपने कोटे का आखिरी ओवर करते हुए पहले बॉल पे उन्होंने चटकाया एक और विकेट। इससे पहले दो विकेट वो ले चुके थे। सामना करेंगे अब आकिफ, उनका साथ देंगे शाहिद चंदू और छोटा टेंडुलकर। नान स्ट्राइकर अभी नजर आ रहे हैं क्योंकि बल्ला भी है हाथ में। एक शॉट, फील्डर मौजूद, डाइव किया दूसरे रन के लिए, भागे और आउट, एक और रन आउट। दोनों बैट्समैनों के दरमियान बहुत बड़ी गलतफहमी जिसका फायदा लिया वोल्केनो एकेडमी ने। शाहिद चंदू और छोटा टेंडुलकर रन आउट होके वापस, उनको ख्याल रखना चाहिए था। बाकी लोगों के लिए तो 23 कदम होती है विकेट, लेकिन उनके लिए शायद 26 थी। जो बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, सब्स्टिट्यूट इस वक्त दानिश की जगह पर फील्डिंग में मौजूद। एक अच्छा थ्रो कामरान ने मिस किया, लेकिन चूंकि शाहिद बहुत आगे जा चुके थे दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने बॉल को पकड़ा और विकेटों के साथ लगा दिया। शाहिद चंदू रन आउट होके इस वक्त वापस जाते हुए काफी अफसरदा है और इसके साथ 109 पर सातवां विकेट गिर गया है। न्यू बैट्समैन इन द क्रीज, बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट आर्म एंड अगेंस्ट देम इज अ लेफ्ट आर्म बॉलर महेश यादव। इंप्रेसिव टुडे, वेरी वेल बोल्ड। हवा में खेले फील्डर नीचे आते हुए, लेकिन उनसे बॉल काफी दूर, काफी कोशिश की थी उन्होंने लेकिन नहीं पहुंच सके। महेश अपने ओवर को जारी रखते हुए तीन बॉल कर चुके हैं, आखिरी तीन बॉल, देखते हैं कि इसमें क्या वो एक और विकेट ले पाएंगे। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, लेग स्टंप से बाहर। आकिफ उसे फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, बॉल बीट हुए लेकिन फिर भी उनको एक्स्ट्रा की सूरत में एक रन मिला। महेश अपना अगला बॉल करेंगे सामने आके, शॉट, फील्डर मौजूद और ये कैच मिस किया है इरशाद ने। बॉल उनके हाथ को लगी जरूर लेकिन वो बॉल को संभाल ना सके, शायद बॉल घूम रही थी और भागते हुए कैच करना काफी मुश्किल होता है। एक लाइफ मिली आकिफ को, एक और रन आउट को नहीं होना चाहते थे।
इस ओवर में जो है वल्केनो के लिए बहुत दो विकेट और चार रन जो कि काफी फायदेमंद साबित हुई। स्मैशर की उम्मीदें फाइनल में जीतने के काफी दूर हो चुकी है। यहाँ पे कोई चमत्कार मिरेकल मौजदा इनको फाइनल जिता सकता है। महेश यादव कंप्लीटेड इस फोर ओवर 30 रन एंड 3 इंपॉर्टेंट विकेट आउटस्टैंडिंग व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम लेफ्ट आर्म बॉलर यंग टैलेंट अबू धाबी। Babar is back. Abdullah Kiani is facing. Ooh! There was a chance of cotton gold, but Babar missed it. It was straight drive. Seedha khele bilkul baller ki taraf. Babar ne koshish zarur ki lekin ball ko पकड़ नहीं सके, उनके हाथ को लगी और बॉल गिर गई। बहुत खूबसूरत एक और बहुत जबरदस्त बॉल, समझ नहीं सके अब्दुल्ला। बाबर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक 8 रन दिए हैं उन्होंने। दूसरे ओवर की 2 बॉल हो चुकी हैं। बाबर रिदम पकड़ते हुए बहुत ही अच्छी बॉलिंग। कयानी बेबस, बाबर बहुत खूबसूरत बॉलिंग करते हुए। और बहुत खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहिरा वोल्केनो एकेडमी की तरफ से। हर एक खिलाड़ी अपना 100% देते हुए। महेश बॉलिंग के बाद अब फील्डिंग में, व्हाट एन एक्सीलेंट फील्डिंग बाय महेश। शुक्रिया चिश्ती। बाबर ने बहुत अच्छा कमबैक किया फॉर में। लाइन लेंथ बिल्कुल बराबर या फुल लेंथ डिलीवरी है। आकिफ और अब्दुल्ला के आने के पास उनका कोई जवाब नहीं। निशान को हाजिर किया जाए। बाबर आखिरी बॉल इस ओवर की। एक और बेहतरीन जॉर्कर बैट्समैन दूसरा रन लेने के लिए और दोनों फील्डर एक दूसरे को क्रॉस कर गए। एक्सीडेंट होते होते बच गया। मैं तो कहूंगा कि इब्रार आप बच गए क्योंकि जिस स्पीड से और दोनों फील्डर एक दूसरे को क्रॉस कर सकता था। एक बहुत अच्छे ओवर का इख्तिताम। 2 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए हैं बाबर ने। 14 ओवर में 116 रन, आखिरी 6 ओवरों में 107 रन चाहिए अबू धाबी स्मैशर्स को। और अब देखते हैं कि कप्तान किसको बॉलिंग पे लेके आते हैं, क्योंकि महेश यादव हैज डन हिज 4 ओवर्स। एक्सीलेंट बॉलिंग स्पेल फ्रॉम महेश। 4 ओवर्स 30 रन एंड 3 विकेट्स। Zia, I can see Zia Mukhtar is back in attack. Captain brought his best bowler. Attack. आके फेस करेंगे Zia को। बहुत खूबसूरत बॉल यॉर्कर लैंड। आकब उससे बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन
लेंथ ऐसी थी कि वो ना समझ सके और डॉट बॉल। जिया मुख्तार 13 रन दे के एक विकेट लिया था उन्होंने इससे पहले अपने पहले दो ओवर्स में। स्लो बॉल कमरा लता लेकिन बॉल उनकी पहुंच से दूर और बॉल घूमने और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बाबर समझ न सके बॉल को और बीट हुए। बॉल उनकी पहुंच से दूर और बॉल घूमने और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बहुत खूबसूरत यॉर्कर, बहुत खूबसूरत यॉर्कर। बाउंड्री के बाद एक बहुत अच्छा कमरा बॉल्स में 4 रन अभी तक दिए हैं वो भी मिस फील्ड की वजह से। बाबर मिस कर गए शॉर्ट पिच समझ ना सके और अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर का इशारा देखना होगा और वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल एंड वन फॉर द ओवर किए हैं वो भी मिस फील्ड की वजह से। बाबर मिस कर गए जिया एग्रेसिव मोड में। बहुत खूबसूरत बॉल, बहुत खूबसूरत बॉल, अपील कर रहे हैं अंपायर का फैसला देखना होगा। हुमायूं अपनी जगह से नहीं हिले और ये एक और डॉट बॉल। कामरान और जिया काफी ज्यादा स्लो बॉल चेक किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेले अंपायर का इशारा 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट आकिफ की तरफ से, अभी तक हौसला नहीं हारे, अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं। जिया जो अब तक इस ओवर में 2 चौके खा चुके हैं, एक वाइड बॉल किया है उन्होंने, इस ओवर की आखिरी बॉल करेंगे। 125 पर 7 विकेट 15वें ओवर की आखिरी बॉल। मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन अच्छा ओवर। 15 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 125 7 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त बैटिंग पर है आकिफ राजा, उनका साथ दे रहे हैं अब्दुल्ला कयानी। बाबर कंटिन्यू करेंगे अपने एंड से। तीसरा ओवर, 2 ओवर में अभी तक सिर्फ 12 रन दिए हैं बाबर में, विकेट कोई नहीं मिला लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा बाबर की तरफ से।
थर्ड मैन की तरफ गया बॉल, सिंगल मिलेगा, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ते हुए 126। और एक पुरजोर अपील और इसके साथ अंपायर का इशारा आउट, बाबर के लिए एक पहला विकेट, आकिब LBW इसके साथ ही आठवां विकेट। प्रेशर था पवेलियन वापस जाते हुए, बाबर अली LBW आउट किया, आकिब को बैटिंग पे जा रहे हैं जुबैर खान। यहां पर मैं जहीर भाई को याद करवाना चाहूंगा कि उन्होंने 18 ओवर्स की बात की थी लेकिन बात 15 में ही सिमट गई। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं, नो डाउट। दोनों टीमें जो है टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें थी, फाइनल में आए, लेकिन वॉल्केनो ने बहुत अच्छी गेम का मुजाहरा किया। स्मैशर जो है प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई, कुछ कैचेस ड्रॉप, मिसफील्डिंग और बैटिंग में कुछ गलतियां, लेकिन ओवरऑल फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमें ऑलवेज बेस्ट होती है टूर्नामेंट की, तो बात दोनों टीमों को जाती है। जी बिल्कुल शिराज, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 127। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों टीमें फाइनल्स में आई, बेहतरीन इस टूर्नामेंट की दो टीमें जिन्होंने फाइनल खेला। अनफॉर्चुनेटली जैसी उम्मीद थी वैसा स्मैशर्स परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन वो फाइनलिस्ट हैं। इट्स एन ऑनर कि एक इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने बड़े इवेंट में जिसमें 25 टीमों ने हिस्सा लिया, उसमें से ये दो बेहतरीन टीमें आगे आई और आज फाइनल खेल रही हैं। जी बिल्कुल, अभी बस फॉर्मेलिटी के लिए 15, 16, 17 ओवर शुरू हुए और टीम जो है 127 पे 8 हार चुके हैं। जुबैर लाला जिसने बैट्समैनों को काफी परेशान किया था बॉलिंग में, अभी बाबर का सामना करेंगे जो कि 140 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं आज। यॉर्क डिलीवरी, जुबैर ने बड़े अच्छा सीधा खेला, वहां पे इरशाद मुस्तैद खड़े हैं। यहां पर दाद देनी पड़ेगी गुलाम फरीद की कप्तानी की, जिसने हर लम्हे अपने बॉलरों को हौसला दिया, समझाया, टिप्स दी और उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया। एक खूबसूरत शॉट अब्दुल्ला कियानी के बल्ले से, 4 रन, शॉर्ट पिच बॉल। अख्तितान पे स्कोर 133, 4 ओवर में उनको पहाड़ जैसा स्कोर चाहिए, एवरेज 20 की हो चुकी होगी, 22.5 की एवरेज। यहां पर बैट्समैन अगर मैच जिताना चाहेंगे तो हर ओवर में 3.5 छक्के लगाने पड़ेंगे। Thank you.
स्कोरर की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। ओवर तक दिल्ली को ऊंचा खेल दिया, नीचे फील्डर मौजूद, आराम से कैच पकड़ लिया अताना। इस तरह जुबेर लाला की इनिंग्स का अहतमाम, ज्यादा परेशान नहीं किया स्कोर को। आखिरी बैट्समैन कासिम अभी आएंगे और इसके बाद मैच का अहतमाम हो जाएगा। एक और विकेट दिया मुख्तार के खाते में, अतार रहीम एक बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पे, लास्ट मैन इन। मोहम्मद कासिम आए, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, शॉर्ट पिच बॉल जो फील्डर के बहुत ऊपर से गई। अभी भी जोश दिखाते हुए दो विकेट ले चुके हैं 22 रन देके। कासिम अब्बासी हमारे सामने से गुजरते हुए, शायद गुम हो गए हैं कहीं वो। बॉल समझ नहीं सके, बॉल कमरान के पैड को लग के साइड पे गई, इन्होंने भाग के एक सिंगल लिया। बाई का रन इशारा अंपायर का 70वें ओवर का 17th ओवर, दो बॉल हुए हैं अभी तक, 23 रन और दो आउट। जिया 3.2 ओवर 23 रन और दो विकेट लिए हैं, सामना करेंगे अब्दुल्ला के आल। स्लो बॉल चेक करके बहुत अच्छे से खेला, उठा के अंपायर का इशारा देखना होगा, 6 रन चेक किया जिया को, स्लोअर वन था और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। यॉर्कर बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल गई लॉन्ग ऑन पे मौजूद फील्डर के पास, जिन्होंने वापस दी बॉल गुलाम फरीद को। सामना करेंगे मोहम्मद कासिम, 135 नौ विकेट, अपने ओवर का चौथा पांचवा बॉल करेंगे। जिया चौथा ओवर कर रहे हैं, दो बॉल बाकी हैं इनके। बीट हुए कासिम, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर समझ ना सके, वहीं खड़े खड़े खेला, बॉल गई कीपर के पास। कामरान आता, बहुत खूबसूरत इनिंग्स आज की, बेहतरीन इनिंग्स, सेंचुरी स्कोर की फाइनल में, अपनी टीम के लिए एक बहुत जरूरी बहुत अहम मौके पर इनिंग्स खेली। और इसके साथ ही अपने ओवर्स का कोटा खत्म किया जिया ने, 4 ओवर्स में 30 रन देके 2 विकेट हासिल किए, 17 ओवर का गेम खत्म।
142 पे 9 विकेट। बाबर चौथा ओवर करेंगे, इससे पहले 3 ओवरों में 20 रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने। इब्रार एक बहुत खूबसूरत रन आउट आज उनके खाते में, इस वक्त हमारे करीब फील्डिंग करते हुए। फुल टॉस हिट करना चाहते थे, अब्दुल्ला कियानी स्ट्राइक अपने पास रखा, सिंगल नहीं लिया। बाबर अपने कोटे का आखिरी ओवर करते हुए 17.1 143/9। अब्दुल्ला कियानी सिंगल, बॉल गई लॉन्ग ऑफ पे, वहां मौजूद फील्डर ने उसे फील्ड किया, वापस पहुंचाया बाबर के पास। यॉर्कर अगेन, लेकिन खेले सामने लॉन्ग ऑफ पे मौजूद इरशाद, फील्ड किया, बॉल दिया वापस बाबर के पास। बाबर अपने कोटे का आखिरी ओवर करते हुए 3 बॉल बाकी, इससे पहले वो 21 रन दे के 1 विकेट ले चुके हैं। बॉल गई लॉन्ग ऑन की तरफ, दूसरा लेना चाहते हैं, लेकिन इरशाद बहुत तेज, बहुत क्विक फील्डर, अपना इरादा तर्क किया अब्दुल्ला ने। एक और यॉर्कर, बाबर बहुत ही डेस्परेट विकेट लेने के लिए, लेकिन हर एक यॉर्कर को खेला अब्दुल्ला ने और कासिम ने, अभी तक विकेट नहीं ले पाए, एक ही विकेट है उनके हिस्से में। इस ओवर की आखिरी बॉल, बाबर के 4 ओवर्स के कोटा कंप्लीट होगा इस बॉल के साथ, देखते हैं क्या इस बॉल पे विकेट ले सकते हैं कि नहीं, पूरी कोशिश करते हुए। स्लोअर वन, ओ मिस किया, एक अच्छी थ्रो लेकिन बॉल विकेट्स पे ना लगी, और इसके साथ बाबर के 4 ओवर का खात्मा। 4 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट लिया है बाबर अली ने, 6.26 की एवरेज के साथ बहुत खूबसूरत बॉलिंग। 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ 147/9। बॉलिंग पर देखना पड़ेगा कौन आए, और इसके बाद आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार, कप्तान गेम को समेटने के लिए मैदान में बॉलिंग पर खुद आते हुए। देखना पड़ेगा क्या इस ओवर में कप्तान मैच को कंप्लीट फिनिश कर सकते हैं। सामना करेंगे अब्दुल्ला कियानी, बॉल हवा में, कमरान अता नीचे, और इसके साथ ही आउट।
कप्तान ने ये जिम्मेदारी ली कि शायद मुझे ही आगे ये मैच मुकम्मल करना होगा। बहुत खूबसूरत मैच, वोल्केनो शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तौर पर हावी रही। आज के मैच